इस इकाई का उद्देश्य है यूनानी राजनीतिक चिंतन से अंतरंग परिचय प्राप्त करना। दूसरा है यूनानी चिंतन में निरूपित राज्य एवं समाज के संबंधों को समझना। तीसरा है प्रमुख यूनानी राजनीतिक अवधारणाओं सावैविकता सद्गुण कर्तव्य से संबंधित होना। चौथा है यूनानी राजनीतिक चिंतन के व्यापक विकास क्रम को समझते हुए उसकी सामान्य सैद्धांतिक संकल्पनाओं को अभिज्ञान करना। विषय प्रवेश, यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि राजनीति एवं राजनीतिक अध्ययन सच्चे अर्थों में ईसा से लगभग 400 से 500 वर्ष पूर्व यूनानी चिंतन से प्रारंभ हुआ। यूनानी चिंतन से पूर्व हेबू चिंतन में भी राजनीतिक विचारों की झलक मिलती है, किंतु यह विचार इतने अस्फुट थे कि इन्हें चिंतन की संज्ञा देना विवादास्पद है। यूनानी चिंतन भी प्रारंभ में कबीली जीवन से जुड़ा था, किंतु धीरे धीरे कबीली विचारों ने राजनीतिक समुदाय के आंगिक अथवा सावयिक सिद्धांत का स्वरूप ग्रहण करना प्रारंभ किया। समाज राज्य के सावयिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति ही यूनानी शहर राज्य का चिंतन था, जिसमें प्रमुख नाम प्लेटो और अरस्तु का आता है। यूनानी राजनीतिक चिंतन का आधार तत्व दर्शन विवेक और नीति ज्ञान है। इस दृष्टि से यूनानी राजनीतिक चिंतन उस हेब्रू चिंतन से भिन्न था जिसका निर्धारक तत्व धर्म एवं भावनाएं थी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यूनानी चिंतन में व्यक्ति धर्मांधता की जंजीरों से मुक्त अपने जीवन के दर्शन और उद्देश्य का स्वयं निर्माता समझा जाता था। तीन, मानव स्वभाव की संकल्पना। मानव स्वभाव में विवेक पर आधारित इस निर्माणक तत्व का बोध स्वाभाविक रूप से मानव गरिमा पर बल देता है। इस विचार भूमि पर इस प्रकार व्यक्ति की क्षमता एवं नैतिकता का अपना अलग ही स्थान है। राज्य एवं समाज। राज्य एवं समाज का सावयिक स्वरूप। व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी यूनानी चिंतन यह भूल ना सका कि व्यक्ति अपना व्यक्तित्व अथवा अपनी नैतिकता अथवा मानवता नागरिक समाज से ही प्राप्त करता है। वास्तव में नागरिक समाज व्यक्तियों का अपने में सहवास है, इसलिए व्यक्ति की अपनी पृथक गरिमा है, किंतु फिर भी व्यक्ति अपनी गरिमा उस नागरिक समाज से ही प्राप्त करता है जो पूर्णत्व में गरिमामय है। इसलिए व्यक्ति उस पूर्णत्व और उस सावय से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अरस्तु का यह कहना कि व्यक्ति स्वभाव से ही एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है, इसी तथ्य का द्योतक है। 4.2, राज्य एवं समाज का नैतिक स्वरूप। राजनीतिक समाज मात्र एक कानूनी संरचना नहीं है, यह प्रमुख रूप से एक नैतिक संस्था है जिसका सदस्य होकर व्यक्ति अपनी नैतिकता एवं व्यक्तित्व में निखार लाता है। इसी विचार की ओर संकेत करते हुए अरस्तु ने यह भी कहा है कि कोई संविधान केवल दफ्तरों की व्यवस्था नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली एन अरेंजमेंट ऑफ ऑफिस, अपितु यह जीवन की एक शैली मैनर ऑफ लाइफ है। इसी प्रकार प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में उस आदर्श राज्य की संरचना की है जो शाश्वत सत्य एवं शाश्वत ज्ञान पर आधारित है और जिसमें राज्य व्यक्ति का ही वृहत स्वरूप है। द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। पार्कर के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यूनानी चिंतन में राजनीतिक विज्ञान एक प्रकार की ट्रिलोजी है। यह राज्य का सिद्धांत है, किंतु यह नैतिकता सिद्धांत भी है और कानून का सिद्धांत भी। इट इज़ द थ्योरी ऑफ द स्टेट बट इट इज़ आल्सो अ थ्योरी ऑफ मॉरल्स एंड अ थ्योरी ऑफ लॉ। 5, राज्य वे व्यक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू। राज्य के नैतिक और सावयिक स्वरूप पर बल देने के कारण यूनानी राजनीतिक चिंतन धारा आधुनिक चिंतन धारा से भिन्न है। व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हुए भी राज्य का केवल एक अभिन्न अंग मात्र है।
व्यक्ति और राज्य दोनों के ही समान नैतिक उद्देश्य होने से राज्य एक ऐसा एक के बन जाता है कि वह व्यक्ति की पूर्णता के लिए उसे बाध्य करने की क्षमता भी रखता है। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही राज्य का सद्गुण में साझेदार माना है, इसलिए राज्य की महत्ता व्यक्ति की महत्ता से कहीं अधिक है। आधुनिक राज्य में व्यक्ति के नैतिक विकास कार्य में सहयोग एवं वृद्धि करने की आशा नहीं की जा सकती। आधुनिक राज्य सामान्यतः एक कल्याणकारी राज्य है जिसका अधिकार क्षेत्र अधिक से अधिक नैतिकता के मार्ग में आने वाली व्यक्ति की बाधाओं को दूर करना है ताकि व्यक्ति में नैतिक चरित्र का निर्माण हो सके। क्योंकि यूनानी शहर राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वह व्यक्ति में नैतिक से निखार लाए, अतः स्वाभाविक रूप से इस चिंतन में व्यक्ति के कर्तव्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है, न कि उसके अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता पर। कर्तव्य ही नागरिक के अधिकार हैं। प्लेटो और अरस्तु दोनों के ही चिंतन की आधारशिला व्यक्ति का समाज में स्थान और उस स्थान के कर्तव्य हैं। माई स्टेशंस एंड इट्स ड्यूटीज़।